छोटे सरकार का पैगाम आया है धनबादवासियों के लिए, अवैध लोहा हो या कोयला के हर कारोबारियों को छोटे सरकार का हुक्म मानना होगा, वरना सबका अंजाम कल और आज जैसा होगा। खतरास में मार्बल दुकान हो या पप्पू मंडल का आवास, वरना छोटे सरकार का गोली और मेजर का गोली, तो कोई नहीं बचेगा। और पप्पू मंडल के लिए खास संदेश, छोटे सरकार से फोन करके जल्दी से बात कर लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। धनबाद जिले में बहुत चर्चित वासेपुर के डॉन के नाम से मशहूर फहीम खान को चुनौती देकर खुद को वासेपुर का छोटे सरकार घोषित करने वाला गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम से एक और धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में भी एक शख्स जिसने अपने चेहरे को काले कपड़े से ढक रखा है और अपने हाथों में बंदूक और सामने बेड पर हथियारों की नुमाइश करते हुए धनबाद के व्यवसायियों को धमकी देता नजर आ रहा है। वैसे खुद को डॉन और छोटे सरकार बताने वाला कुख्यात अपराधी प्रिंस खान पिछले एक साल से अधिक समय से फरार है और धनबाद के बाहर कभी नेपाल तो कभी बांग्लादेश में छिपे होने की बात कही जा रही है। कथित छोटे सरकार ने सीधे तौर पर इस बार कोयला व्यवसायी पप्पू मंडल को अपना निशाना बनाया है और कहा कि जल्द हमसे फोन पर बात करो अन्यथा मारे जाओगे। बता दें कि रविवार को अगले सुबह मटकुरिया के विकास नगर में रहने वाले कोयला कारोबारी पप्पू मंडल के घर पर फायरिंग की घटना घटी थी, जिसके बाद सोमवार को धमकी भरा यह वीडियो वायरल कर पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। वीडियो में कतरास में टाइल्स मार्बल की दुकान में घटी फायरिंग घटना का भी जिक्र किया गया है। यहां बता दें कि कतरास के मार्बल कारोबारी के प्रतिष्ठान पर पिछले दिनों गोली चली थी। इन दोनों ही घटना की जिम्मेदारी लेते हुए छोटे सरकार के नाम पर एक और तालिबानी फरमान का वीडियो धनबाद में वायरल हुआ है। इस वीडियो में शख्स खुद को छोटे सरकार का आदमी बतला रहा है और हथियारों की नुमाइश करते हुए पीड़ित दोनों व्यवसायियों को छोटे सरकार की बात मान लेने की भी धमकी दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद से व्यवसायियों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वहीं इस मामले में जिला पुलिस के DSP अमर कुमार पांडे ने व्यवसायियों को सुरक्षा की संभावना देते हुए ऐसे गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। उल्लेखनीय है कि प्रिंस खान और छोटे सरकार का कई वीडियो पहले भी वायरल हो चुका है। एक वीडियो पिछले साल 24 अगस्त को सामने आया था, जिसमें वह बादशाह नामक युवक पर लाठियां बरसाता नजर आ रहा था। इसके बाद दूसरे वीडियो में बैंक मोड़ के सिपाही इरफान पर पैसे लेकर गैंग्स को सूचना लीक करने का आरोप लगाया था। इसके बाद नन्हे हत्याकांड के बाद प्रिंस ने एक वीडियो जारी कर हत्या की जिम्मेवारी ली थी। ऐसे ही उसने कई अलग अलग धमकी भरा वीडियो वायरल कर दहशत फैलाने की कोशिश कर चुका है। इसी कड़ी में एक बार फिर ये अपराधी चेहरा ढंग कर ISIS की तर्ज पर अपना धमका भरा वीडियो जारी कर व्यवसायियों में भय फैलने का प्रयास किया है। ये कॉल का ट्रेस से बचने लिए इंटरनेशनल वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करता है। मालूम हो कि रंगदारी के लिए अपने गुर्गों के द्वारा गैंग्स और वासेपुर के प्रिंस खान उर्फ छोटे सरकार ने व्यवसायी और ठेकेदार पर फायरिंग की घटना को अंजाम भी दिलवाया है। कुछ माह पूर्व ही धनबाद SSP ने प्रिंस खान गिरोह के कई अपराधियों को जेल के सलाखों में पहुँचाया था, जिसमें इसके रेकी करने वाले खबरीलाल से लेकर फायरिंग को अंजाम देने वाले भाड़े के टट्टू भी शामिल है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।